मोदी आजे जनसमर्थ पोर्टल ने शुरुआत करावी हती। आ पोर्टल द्वारा हवे जनता ने केटलीक सरकारी योजनाओनी जानकारी एक ज प्लेटफॉर्म परथी मळी आवशे। आ पोर्टल लोन लेनार अने आपनार ने एक प्लेटफॉर्म पर लावी देशे। देशनो आ प्रथम एवं प्लेटफॉर्म छे। आ पोर्टल द्वारा लोको कोई पण झंझट वगर तमाम प्रकारनी जानकारी मेळवी शकशे। मोदी सरकार सतत देश में डिजिटलाइजेशन तरफ आगळ वधी रह्यो छे। आज कार्यक्रम में पीएम मोदी आज जनसमर्थ पोर्टल ने शुरुआत करावी हती। सरकार आ पोर्टल द्वारा लोन लेवा मांगता सामान्य लोगों ने एक मंच पर लावशे। जनसमर्थ पोर्टल लोगों ने सरलताथी लोन आपवा माटे काम करशे। तेमज आ पोर्टल नी साथे साथे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए नाणा मंत्रालय अने कोर्पोरेटर कार्य मंत्रालय ना आइकोनिक वीक समारंभ नु उद्घाटन पण कर्यु हतु। आ पोर्टल सरकारे 125 थी वधारे लोन दाताओने एक साथे लईने आवी छे। आज जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बढ़ाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेनर्स का, व्यापारियों कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह हमारे युवाओं आसानी से ये तर्क कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और जब लोन लेने में आसानी होगी, कम से कम प्रक्रियाएं होगी, तो ये भी स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने